खिलाफ हमें डटकर लड़ना होगा, मुकाबला करना होगा, हर जगह उपस्थिति दर्ज करानी होगी और भारी से भारी संख्या में रखकर ही हो सकता है ये। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितने कम शिक्षक संख्या में है। खैर कोई बात नहीं, आगे भी बढ़ सकते, अगर भाग लेंगे तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा कि हम अपने अधिकार की बात को जोरदार तरीके से सरकार तक पहुंचा सकेंगे। यहाँ तक अभी जो है हम लोग संयुक्त शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति है उसके तहत बैठे हैं, तो कुल मिलाकर देख रहे हैं कि हमारे जो टीटी एसटीटी उत्तीर्ण शिक्षक संघ है मात्र उन्हीं के सदस्य यहाँ पर लगभग हैं, बाकी सारे के लोग नहीं है। ये दुखद विषय, सभी संघों की लड़ाई है, तो एक संघ की लड़ाई नहीं रही, इसमें हम सभी को बढ़ चढ़ कर मिलकर जो है इकट्ठा होकर के लड़ना होगा। अभी आज या शायद कल हमने पढ़ा कि 34,500 जो शिक्षक है वह सामान्य परीक्षा के साथ आए थे, और जैसा कि हमारे शिक्षक साथी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में चल रहा है और इससे पहले भी काफी सारे जो उर्दू शिक्षक है 11-12 में बहाल हुए वह भी जो है सो राज्यकर्मी का दर्जा हासिल कर चुके हैं। लेकिन हम लोग जो है सारी परीक्षाओं को पास करके जितनी भी जो है सो इनके प्रशिक्षण है अर्हता है सीटेट बीटेट वह सब करके आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग को जो है ये समुचित जो है हक नहीं दे पा रही है बिहार सरकार। बहुत ही शर्म की बात है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना चाहते हैं लेकिन शिक्षकों का जो है हक नहीं देना चाहते, इससे तो नहीं होगा, क्योंकि अगर उनको हक नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं ग्लानी से ग्रस्त रहेंगे और स्कूल में जो है हर वक्त इस विषय का टेंशन लगा रहेगा, तो वह इस माहौल में किस प्रकार शिक्षा सही से दे पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है जिनसे हमें काम लेना होता है, हमने कल की बात बताऊं कि एक लेबर को रखा था, उसको जो है जो वो डिमांड किया कि हम ये काम नहीं करेंगे, ऐसे हमको चाहिए पारिश्रमिक, हमने कहा ठीक है आप ये नहीं करेंगे, लाए थे उसको जो है सो ईद जुड़ाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा काम हमारा जो है सो अलग भी था बांस काटने का, बोला ना ये हम नहीं करेंगे, बोले कुछ ले लीजिए एक्स्ट्रा, लेकिन आप खुश होकर कर दीजिए, कुछ कर दिया और बाद में बोला आप नहीं होगा 1 बजे तक ही हमको छुट्टी कर दिया, ठीक है अगर आप इतने से संतुष्ट है तो आप जाइए और आप खुश होकर के जाइए, जो बनता था उनको देकर विदा किया। तो कहने का भाव है जिनसे काम लेना है उनको खुश करके ही काम लेना होगा, उसको जबरदस्ती करके काम नहीं ले सकते। तो बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वह भी आपके जो है श्रमिक हैं यहाँ सरकार के, और उनको आप खुश नहीं करके उनको आप जो है हर तरह से शारीरिक मानसिक प्रताड़ना दे करके चाहते हैं कि जबरदस्ती इनसे काम करा ले, यह